बहुत इनसे साउल के दर्शक जानना चाहते थे कि हम बिना तेल के पानी पूरी कैसे बनाएं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि ज़ीरो ऑयल पानी पूरी कैसे बनता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लगभग 1 कप सूजी, 1/3 कप क्वांटिटी में आटा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई भी जगह पे लंप ना हो, और पानी के सहायता से इसका एक अच्छा सा डव तैयार करेंगे। डो हमें हल्का सा गीला बनाना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गीला डो तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया है जो पानी को सोख लेता है। इस डव को तैयार करके इसे ढककर 15 मिनट तक के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। सूजी पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और डो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तब तक आइए बनाते हैं हम इसकी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉयल्ड मैश्ड आलू। इसमें हम डालेंगे बॉयल्ड किए हुए चने, हमने सफ़ेद चने का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ हमारे स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गया है और हमारा डव कितना अच्छा से तैयार हो गया है। अब हम इसे रोटी के आकार में बेल लेंगे और उससे ही हम अपनी पानी पूरी बनाएंगे। देखिए हमने एक रोटी के आकार में बना लिया है, फिर इसे छोटे छोटे साइज में हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। इससे हमारा बनाने में टाइम बचता है और जो आपकी पानी पूरी बनेगी वो इवन शेप और साइज की होगी। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। हमने जो पानी पूरी के लिए पूरियां काट कर रखी थी, अब हम उसे इडली स्टैंड में डालकर स्टीम करेंगे। इडली स्टैंड में पानी डाल के हम स्टीम क्रिएट कर लेंगे। अब हम सारी पानी पूरी जो हमने बनाया था, कट करके अलग किया था, उसको इडली स्टैंड में डालकर स्टीम करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे हम 1 by 1 अलग अलग सांचों में डाल देंगे।
इसे हम अब कवर करके अराउंड 10 मिनट्स, पहले तो 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे एक बार हम पलट लेंगे। इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरियां दोनों तरफ से पक गई हैं, तो इसे हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। इडली स्टैंड में जो डालकर हमने पूरियां पकाई थी, अब हम उसको माइक्रोवेव करेंगे। इसके लिए हमने माइक्रोवेव को प्री हीट कर रखा है ग्रिल मोड पर। उसके बाद सारी पूरियां हम उस पर प्लेस करके इसे 2 मिनट के लिए ग्रिल कर देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी पूरियां कितनी बनी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी पूरियां पूरी तरह से फूल चुकी हैं, एक प्रॉपर पानी पूरी की तरह। एक या दो जो है वो ढंग से नहीं फूली है, तो उन पूरियों को हम चाट बनाने में या किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं पानी पूरी का पानी। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है पुदीने के पत्ते, 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, धनिया पत्ता, साथ में कुछ मसाले हमने ऐड किए हैं, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, जीरा और आमचूर पाउडर इस्तेमाल किया है। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस और पानी। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी तक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी पूरी का जो पानी है उसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें इसकी कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए, अगर पतली चाहिए तो हम उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चटपटा पानी पूरी का पानी रेडी है। आइए गोलगप्पा बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो पूरी है जो हमने बेक किया था वो बहुत ही क्रिस्पी है। इसमें अब हम फिलिंग डालेंगे। तो देखिए ये हमारा पानी पूरी रेडी है। जैसा आपको मार्केट में विद ऑयल मिलता है, ये विदाउट ऑयल है।